कागजों पर संचालित उप स्वास्थ्य केंद्र या अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के आखिर पैसे जा रहे हैं? भवन निर्माण के रख रखाव के पैसे, मेडिकल उपकरण के पैसे, दवा सुइया के पैसे, जो वहाँ पर स्थापित जो मेडिकल ऑफिसर हैं या मेडिकल कर्मचारी हैं या नर्स हैं, उसको पैसा भुगतान कौन कर रहा है? जो कागज पर संचालित है और जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रहा है, मामला कहीं न कहीं सीबीआई जांच की का बनता है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल इसकी सीबीआई जांच की मांग करती है। कोई नहीं है सर, पूरा हॉस्पिटल खाली है, पूरा हॉस्पिटल खाली है सर। कोई इसमें डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, पूरा हॉस्पिटल खाली है। कोई नहीं है डॉक्टर, हॉस्पिटल पूरा खाली है, हॉस्पिटल कोई नहीं है यहाँ पे। सूबे के सरकारी अस्पतालों की इस बदहाली पर बवाल बढ़ने वाला है। कोई नहीं डॉक्टर यहाँ पे, कोई नहीं डॉक्टर यहाँ पे। स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्ट तंत्र पर आरजेडी ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। बड़ी बात यह है कि आरजेडी अब इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग उठाने लगी है। तो बड़ा संगठित भ्रष्टाचार की इसमें बू आती है। यह पूरा मामला कहीं न कहीं सीबीआई जांच की का बनता है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल इसकी सीबीआई जांच की मांग करती है। ये तस्वीर कल गोपालगंज से सामने आई थी। जमुना बाजार के बिजनेसमैन राजन सिंह को गोली लगने के बाद जब परिजन पंचदेवड़ी पीएससी पहुंचे तो वहां डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी थे ही नहीं, बल्कि सिर्फ कुत्तों की झुंड मिली। कोई नहीं है सर, पूरा हॉस्पिटल खाली है, पूरा हॉस्पिटल खाली है सर। कोई इसमें डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, पूरा हॉस्पिटल खाली है। कोई नहीं है डॉक्टर, हॉस्पिटल पूरा खाली है, हॉस्पिटल कोई नहीं है यहाँ पे। कोई नहीं डॉक्टर यहाँ पे। कोई नहीं है डॉक्टर यहाँ पे। कोई नहीं है यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में। कब आता है ब्रो? अभी चेंबर में कोई नहीं बैठा हुआ है अभी। इस वीडियो ने सुशासन की कड़वी सच्चाई सामने ला दी। लिहाजा अब आरजेडी नेता सत्य सिंह यादव ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मामले को सीबीआई के पास लेकर जाएंगे। बिहार के उप स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्र और अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र की बदसूरत तस्वीरें मीडिया ने जो देश और जनता के सामने लाई है, इससे नीतीश कुमार जी की भ्रष्टाचार की नीति और दम तोड़ती हुई ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की कलई खुल गई है। एक सवाल बड़ा तैरता हुआ दिखाई पड़ता है कि आखिर हजार से ऊपर की संख्या में जीर्ण शीर्ण अवस्था में कागजों पर संचालित उप स्वास्थ्य केंद्र या अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के आखिर पैसे जा रहे हैं कहाँ? भवन निर्माण के रख रखाव के पैसे, मेडिकल उपकरण के पैसे, दवा सुइया के पैसे, जो वहां पर स्थापित जो मेडिकल ऑफिसर हैं या मेडिकल कर्मचारी हैं या नर्स हैं, उसको पैसा भुगतान कौन कर रहा है? जो कागज पर संचालित है और जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है, तो ये बड़ा संगठित भ्रष्टाचार की इसमें बू आती है। ये पूरा मामला कहीं न कहीं सीबीआई जांच की का बनता है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल इसकी सीबीआई जांच की मांग करती है। और ऐसा नहीं है एक बात ये भूल जाए, अब वो युग बदल चुका है, हर चीज सामने आ जाएगा। तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष है, इन चीजों को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने भी संग्रह किया है सभी बदसूरत उन तस्वीरों को जो स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र और कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्रों का है। आरजेडी का ये स्टैंड बता रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के लिए आने वाला कल का समय अमंगल साबित होगा। रिपब्लिकन न्यूज पटना। कोई नहीं डॉक्टर यहाँ पे, कोई नहीं डॉक्टर यहाँ पे। अरे चुप रहो ना। कोई नहीं है।
कोई नहीं डॉक्टर साहब यहाँ पे, कोई नहीं है। कोई इस समय तो कोई नहीं है यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में। कब आया था ब्रो? अभी चेंबर में कोई नहीं बैठा हुआ है अभी। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।